तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज के इस वाले वीडियो में आप लोगों को बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया आईओएस से रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाला हूं। जैसे कि आपको पता होगा कि पीजीएमआई जो गेम है वो अभी तक आईओएस के लिए लॉन्च नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड के लिए लॉन्च हो चुका है। और बहुत सारे ऐसे आईओएस यूजर है जो इस गेम को खेल नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग जानना चाहते कि आईओएस के लिए बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया कब तक आएगा, तो इसके ऊपर गाइस कैप्टन ने एक ऑफिशियल हिंट दे दिया जो कि आगे जाके मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो पहले आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी इस चलते हैं फोटो की तरफ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया आईओएस के ऊपर कब तक आएगा, इसका कोई भी ऑफिशियल रिलीज डेट तो नहीं है, लेकिन गाइस यहाँ पर क्राफ्टर ने एक छोटा सा आप लोग कह सकते हो हिंट दे दिया। गाइस अगर आप बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल वहां पर जाओगे तो सोशल मीडिया हैंडल पे जाने के बाद गाइस आपको ये जो पोस्ट वो आपको देखने को मिल जाएगा जो कि कुछ घंटे पहले इसको डाला गया है। जैसे गाइस आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर यहाँ पर आपको बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया उसका साइड पे आपको क्राफ्टर और नीचे आपको क्वेश्चन मार्क, और गाइस क्वेश्चन मार्क के नीचे गाइस आप लोग देख सकते हो आपको एप्पल का जो लोगो आपको देखने को मिल रहा है। और गाइस इसका मतलब ये है कि क्राफ्टन एक छोटा सा हिंट दे रहा है जिससे हमें लग जाए कि गेम जो वो आईओएस के लिए कब तक आएगा। गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपको इस पिक्चर को देख के तो उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन गाइस आप लोग कह सकते हो कि आप इसको एक हिंट की तरह ही ले सकते हो कि बहुत ही जल्द आईओएस के लिए जो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया वो बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस पिक्चर को डालकर यहाँ पर बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया ने लिखा है कि वी थॉट यू मिस इट अर्लियर सो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो स्ट्रेट एंड फॉर मोर। यानी कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हमें पता है कि आप लोग इसके बारे में सोच रहे हो, ज्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं अभी तक तो कोई भी ऑफिशियल डेट या फिर कुछ भी अभी तक नहीं है, लेकिन गाइस आप लोग इसको देख के अंदर से लगा सकते हो कि बहुत ही जल्द गेम जो आ जाएगा। और वैसे भी मैंने आप लोगों को एक वीडियो के अंदर बताया था कल के वीडियो के अंदर कि आपको पता होगा कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया ने एक माइलस्टोन रखा जो कि 50 मिलियन डाउनलोड, और गाइस आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 30 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुका है सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड के अंदर। अगर बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया आईओएस के अंदर जल्दी से नहीं आता है तो 50 मिलियन डाउनलोड का माइलस्टोन वो कंप्लीट कैसे होगा, इसके लिए गाइस आईओएस के अंदर आना जरूरी है। और गाइस अगर आईओएस के अंदर आ जाता है तो बहुत सारे ऐसे आईओएस यूजर जो इस गेम को खेलेंगे और 50 मिलियन डाउनलोड वाला जो माइलस्टोन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के वजह से गाइस मुझे लग रहा है कि इसी वीक को या फिर मतलब कि अगले वीक तक हमें जो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया वो आईओएस के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आईओएस यूजर हो भाई मौज करो, बहुत ही जल्द आने वाला है। तो गाइस अगर ऑफिशियल कुछ भी डेट रिवील होता है तो मैं आप लोग को अलग से वीडियो में बता दूंगा। तो यही था वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्क्वाड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं और अगले वीडियो में, तब तक के लिए।